लगातार तीसरी बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जैसे ही सांसद अनुराग ठाकुर अपने गृह जिला हमीरपुर पहुंचे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के लोगों ने अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें सर आंखों पर बिठाया। इस मौके पर जहां युवा मोर्चा की प्रदेश की तमाम टीम मौजूद रही, वहीं नादौन और सुजानपुर के विधायक भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने हिमाचल प्रदेश से श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को और श्री अनुराग ठाकुर जी को पुनः अपनी टीम में शामिल किया है। जहां जगत प्रकाश नड्डा जी को दोबारा से जनरल सेक्रेटरी बनाया है और अनुराग ठाकुर जी को दोबारा से तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का बनाया गया है। इसके लिए हम श्री अमित शाह जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं और धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने छोटे से हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा स्थान दे करके हिमाचल प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया है। हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वहीं युवा मोर्चा को सक्रिय और चुस्त दुरुस्त करने के लिए श्री अनुराग ठाकुर जी सारे देश में युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, यह हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत प्रसन्नता की बात है। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने पार्टी के दोनों हमारे नौजवान जुझारू नेताओं पर विश्वास प्रकट किया है, हमें विश्वास है कि दोनों ही अमित शाह जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और जिस प्रकार से संगठन के काम को वो पहले भी बहुत अच्छी तरह से निभाते आए हैं और इस बार भी दोनों ही नेता हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।